हेलो दोस्तों, मैं हूं एगोक्स और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी भी गेम के फ्रेम पर सेकंड्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो और आपके सीपीयू और जीपीयू पे ज़्यादा पावर लोड ना लें और स्टेबल चलता रहे और लैग ना हो। तो सबसे पहले करते हैं, हम लोग गूगल में जाएंगे और MSI आफ्टर बर्नर लिखेंगे, इसको खोलेंगे और ये वाला पहला लिंक जो है MSI आफ्टर बर्नर का ऑफिशियल साइट वो खोलेंगे ताकि ये पेज खुले। और अब यहाँ पर पूरा नीचे स्क्रॉल करके ये वाला डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से डाउनलोड कर दिया है डेस्कटॉप पे। अब इसको खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, 4.5.0 वर्जन है, इसको सेटअप करेंगे। इंग्लिश लेंगे, नेक्स्ट लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इधर पूरा स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिवा स्टैटिक ट्यूनर है जो पहले से टिक है, उसको हम टिक ही रहने देंगे क्योंकि यही मेन है, और नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे सी ड्राइव में, आपको जहाँ पसंद हो वहाँ। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग MSI आफ्टर बर्नर को खोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से खुल कर रखा है, तो वो ये टास्क बार में आ जाएगा, MSI आफ्टर बर्नर, इसको खोलेंगे। यहाँ पर एक्चुअली कुछ चेंज तो नहीं करना है, लेकिन ये जो है इंटरफेस है वो आपका GPU का है, जो इसको पावर लिमिट, टेम्परेचर लिमिट, कोर क्लॉक ये सब सेट कर सकते हैं, जो ये वीडियो में नहीं है। आप कुछ भी मत छेड़े उसके लिए, वो वाला वीडियो यहाँ पर राइट साइड पे दिख जाएगा आपको, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर कुछ करना नहीं है, इसको क्लोज नहीं करना है, इसको सिर्फ मिनिमाइज करना है। और ये वाला जो है रिवर ट्यूनर स्टेटिक सर्वर, उसको खोलना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे ये सब आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल सेटिंग्स है, ये ग्लोबल सेटिंग्स मतलब ये पूरे स्क्रीन का है। आप चाहे तो इसको एक स्पेसिफिक गेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सीधा एप्लीकेशन इधर ऐड करके ब्राउज करके डाल दें। ये है एप्लीकेशन डिटेक्शन लेवल, ये जो हाई पे लेंगे तो आपका थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन फ्रेम पर सेकंड अच्छा मतलब पूरी तरह परफेक्ट दिखाएगा। लेकिन उसको नहीं लेना है क्योंकि मुझे फ्रेम पर सेकंड कुछ ज़्यादा दिखना नहीं है, तो हम लो लेंगे। और ये जो दिख रहे हैं फ्रेम पर लिमिट, उसको 50 करेंगे, या फिर जैसे कि आपका बहुत लो एंड पीसी है, आप 40 पे रखना चाहते हैं, 30 पे चल रहा है लेकिन ऑप्शन दिया है सिर्फ 60, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 और 60 FPS, तो इसको मिनिमाइज़ करेंगे हम। जैसे कि मेरा जो पीसी है वो 50 हैंडल कर सकता है लेकिन 60 नहीं कर सकता, तो मैं इसको 50 रखूँगा ताकि वो फ्लक्चुएट ना हो। जैसे इसको हम फ्लक्चुएट 50 पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक ग्लोबल लिमिट जो है 50 पे सेट हो गया। भले मैं अभी कोई भी सेटिंग्स लूँ वो 50 के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 के ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको फिर से ज़ीरो पे करूँगा, ज़ीरो मतलब होता है अनलिमिटेड, तो वो 50 से ऊपर मतलब जितना पूरा यूसेज हो सकता है उतना लेगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप जितना ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड रखेंगे उतना आपका GPU पावर जो है वो ज़्यादा लेगा, पूरा GPU और CPU का पावर। उससे अच्छा है कि आप लिमिट को सेट कर दें ताकि आपका कुछ ज़्यादा पावर ना जाए, आपका गेम भी पूरा स्टेबल चलता रहे और आपका लाइट बिल भी थोड़ा कम आए। लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको अगर फ्रेम लिमिट सेट करके इसको ऑन ही रखना है तो MSI आफ्टर बर्नर को भी क्लोज़ ना करें और रिवा स्टैटिक ट्यूनर को भी क्लोज़ ना करें, नहीं तो आप जैसे ही क्लोज़ करेंगे वो फिर से रीसेट होकर ज़ीरो पे चला जाएगा और आपका फ्रेम पर सेकंड जो है, जैसे कि मैंने क्लोज़ कर दिया, वो रीसेट हो जाएगा, फिर से अनलिमिटेड पे चला जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना, ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपका थोड़ा बेनिफिट हो ही जाएगा इससे। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Make him spicy, Papa.